नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे पेट हटाने को लेकर। सभी सीआईटीएस वाले कोर्ट जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कोर्ट में हम लोगों का जीत होगा, क्या होगा? कल वकील से जो बातें हुई है उसमें क्या कुछ बात हुआ, इसके बारे में हम लोगों को हम बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और कोशिश कीजिए कि वीडियो को शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे तमाम सीआईटीएस के लोग जुड़ेंगे और हम लोग मजबूत बनेंगे और सरकार कोर्ट के सामने हम अपना पक्ष रख पाएंगे, ठीक है? तो इसके संदर्भ में एक याचिका दायर किया गया है, ये दूसरी बहाली है। एएनएम भर्ती मामले में आयोग से जवाब तलब। यहाँ पे देख सकते हैं प्रयागराज मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामला इसी तरह का दायर किया गया है, याचिका जिसका सुनवाई हो रहा है। तो इसके पहले इस मामले को समझ लीजिए, तब हम लोग सीआईटीएस वाले मामलों को आपको स्पष्ट करेंगे कि हम लोगों का क्या हो सकता है। देखिए, ये जो एएनएम भर्ती मामला है जिसमें 9600 पदों पर बहाली आई थी, जिसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जनवरी 2022 था। इसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका क्यों दायर की है? क्योंकि इसमें भी पेट लागू था, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट है पेट, उसको इसमें भी लागू किया गया था। और उस समय जितने एएनएम वाले लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो पेट का एग्जाम नहीं दिए थे, बहुत सारे दिए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है और इस पर सुनवाई कर रहा है, ठीक है? अगर ये लोग जीत जाते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोगों का तो ऐसे ही जीत निश्चित है, मतलब सारे बहालियों पर ये फैसला लागू हो सकता है, क्योंकि कभी भी कोई भी फैसला किसी संदर्भ में ही दिया जाता है और ये हम लोगों से मिलता जुलता सेम तरह का पैटर्न है। तो आइए, कैसे ये पैटर्न हम लोगों से मिलता जुलता है, इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, यहाँ पे पूरा मैं पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग थोड़ा सुन लीजिए, इसके बाद हम चर्चा करते हैं, ठीक है? काफी तुरंत पढ़ लेंगे हम। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएनएम भर्ती मामले में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जवाब तलब किया है, ठीक है? कोर्ट ने कहा है कि आयोग 6 दिन में अपना जवाब दाखिल करे। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने एकता यादव एवं 9 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है, ठीक है? अब याचिका क्या है इसके बारे में समझिए। याचिका के अधिवक्ता पुनीत कुमार उपाध्याय ने बताया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एएनएम के 9600 पदों पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकाला था उसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता निर्धारित की थी, ठीक है? मतलब वही पेट, ठीक है? जो अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पास करेंगे उन्हीं को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए 5 जनवरी तक आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की थी, ठीक है? याचिका के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि देखिए जो ने तर्क दिया था कि क्योंकि पिछले 2 सालों से लगातार कोरोना का संक्रमण बने रहने से बहुत से अभ्यर्थियों को अस्पतालों से छुट्टी नहीं दी गई। सही बात है, कोरोना के कारण बहुत सारे कोरोना पीड़ित को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिला, बहुत सारे लोग लॉकडाउन के प्रभावित थे, कहीं कहीं लॉकडाउन जबरदस्त लगाया गया था, आने जाना मुश्किल था वहां से, तो इसके वजह से ये लोग पेट नहीं दे पाए, ठीक है? इस वजह से उन्हें अध्ययन का मौका नहीं मिल सका, ठीक है? इस वजह से मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता सही नहीं है, ठीक है? आयोग द्वारा यह निर्धारण मनमाना और भेदभावपूर्ण है, इस परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है। ये हमारे जो याचिका दायर किए गए उनके तरफ उनके जो वकील है इस तरह के तर्क देकर इसको रोकने का प्रयास किया है और कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है और जो इनके सचिव है उनको कोर्ट में 6 दिन के अंदर में जवाब देने के लिए बुलाया गया है, ठीक है? अब हम लोगों के पास 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। पहला कि जो हमारे पास नियमावली था 2021 में, उसमें कहीं भी लिखित परीक्षा का जिक्र नहीं था। पुराने नियमावली के अनुसार हमारा जो बहाली होना था वो मेरिट के आधार पर था, ठीक है? लेकिन नए नियमावली 2022 में 3 जनवरी को कैबिनेट से पास की जाती है, जिसमें लिखित परीक्षा का प्रावधान दिया जाता है और इस नियमावली में भी किसी तरह की कोई मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का जिक्र नहीं है। जब विज्ञापन जारी किया जाता है UP SSC के द्वारा 6 जनवरी 2022 को, और उसमें बताया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा जो पास किया है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि नियमावली पास होती है 22 में और विज्ञापन भी 22 में आता है, लेकिन पेट का जो एग्जाम हुआ था वो 2021 में हुआ था। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग तर्क है। अब हम लोग पेट का तो विरोध कर ही नहीं कि पेट हटा दीजिए इस बहाली में से, अगर नहीं हटा रहे हैं तो पेट देने का मौका दीजिए। ये कहीं से भी जायज नहीं है कि पुराने पेट के पैटर्न पर आप
नई नियमावली के तहत जो बहाली ले रहे हैं उसमें पुराने जो पेट दिए उनको मतलब शामिल कर लीजिएगा, ये गलत है। और दूसरा, ये हमारे साथ भी ये कारण थे, हम लोग भी यूपी बिहार से हैं, खासकर यूपी वाले इस कंडीशन में आप भी आते हैं। अगर इनकी याचिका को रख लिया जाता है और पेट हटा दिया जाता है फिर तो हमारा ऐसे ही हट जाएगा। कम से कम हम अपने जो अभी फॉर्म निकाला गया 18 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा उस पर स्टे तो ले सकते हैं, स्टे बहुत जल्द आ जाएगा। सोमवार को हम लोग कोर्ट में याचिका दायर कर देंगे। सारी जो डॉक्यूमेंट्स वाला प्रक्रिया था वो पूरा हो गया है और बहुत सारे बच्चों ने सहयोग दिया है, जो लोग सहयोग नहीं दिए हैं उनका भी स्वागत है। और आप एक साथ मिलकर, मयंक शुक्ला जी हैं, राम निवास पाल जी हैं, हमारे आदित्य ठाकुर जी हैं आईटीओ से, हमारे गौरव जयराम जी हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं और हम सभी मीटिंग लगातार कर रहे हैं और बहुत जल्द इस पे स्टे ले लेंगे हम लोग। और आगे सरकार से हमारी मांग है कि पेट को हटाए या पेट के लिए मौका दिया जाए। ठीक है, ये सारी बातें थी जो आपको बताना था। तो हमारे पास स्ट्रांग पॉइंट है, आप लोग परेशान नहीं हो, बहुत ज़्यादा कॉल आप लोग का आ रहा है, कॉल भी मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कॉल करते हैं, हम सबका कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज़ कॉल ना करें। दूसरा, हमारे कोचिंग वाले नंबर पर भी आप कॉल ना करें, आप कॉल करते हैं ये सब चीज़ों के लिए तो कोचिंग के जो रिसेप्शन में बैठते हैं, जो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को ये सब चीज़ें पता नहीं होता है, तो आप बेवजह कॉल करेंगे उन लोगों को पता नहीं होता, आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं थोड़ा लेट से ही आता हूँ लेकिन आपको सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। ठीक है, कुछ लोग हमारे खिलाफ़ ट्वीट कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि शांति बनाए रखें। ठीक है ना, तो क्योंकि बात यह है कि आप जितना हमको सीधा समझते हैं उतना सीधा है नहीं। ठीक है, आप उंगली करने का प्रयास कीजिएगा तो हम, और इतना औकात हम रखते हैं, इसीलिए अपने दायरे में रख के बात कीजिए, ज़्यादा फड़फड़ाइएगा तो मुश्किल हो जाएगा। और पहले इधर से हमें निपट लेने दीजिए, इसके बाद हम आपको बताते वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है, आपका अपना काम है आप काम कीजिए, दूसरों को उंगली करने का प्रयास मत कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, हम तो सेल्फिश नहीं हैं, स्वार्थीपन नहीं दिखा रहे हैं, हम खुद फॉर्म नहीं भरेंगे लेकिन जित 80% लोग जो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाना क्या गलत है? और क्या ये जो आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं क्या इससे आप बाहर हो जाएंगे क्या? नहीं, सभी लोग आएंगे। मान लीजिए पेट हटेगा तो सब लोग फॉर्म भरेंगे, जो पेट दिया है नहीं दिया तो सब लोग भरेंगे, सबके लिए तो ओपन हो जाएगी, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं कि नहीं केवल जो पेट दिया उसी को फॉर्म भरने दिया जाए, इसका मतलब है कि आप अपने लिए बात कर रहे हैं, स्वार्थीपन दिखा रहे हैं, ऊपर से इधर उधर उंगली करते चल रहे हैं, तो समझ लीजिएगा हम उंगली नहीं करते, हम सीधे कर देंगे, ठंडा हो जाइएगा। ठीक है, तो जितना दायरा है ना उसी में सीमित रहिए, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि आप अकेले हैं और हमारे पास 3 लाख लोग हैं, समझा देंगे 2 मिनट में आपको, तो ठंडा होकर अच्छे से रहिए। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का मेरे जुबान से आप गंदी बातें सुनिए, क्योंकि बहुत सुनाता हूँ आपसे ज़्यादा, लेकिन आप सुनने का प्रयास मत कीजिए, सुन नहीं पाइएगा या सुनने योग्य नहीं रहिएगा, तो थोड़ा सा लिमिट में रहिए। अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो मेरा नंबर है, पब्लिक में है, सबके पास है, कॉल कर लीजिए और बात कर लीजिए, बात करने के लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी से बात करने के लिए हम तैयार हैं। हम आज तक किसी के बुराई नहीं सोचे हैं, एक मेरा खासियत है, हम अपने पैसे लगा लगा कर लोगों के भलाई के लिए काम किए हैं, हमारे हाथों से आज तक कभी किसी का बुरा नहीं हुआ, अगर भला नहीं हुआ तो बुरा भी नहीं हुआ है, ये स्पष्ट है, 100% सत्य है। हम जो भी काम करते हैं कोशिश करते हैं कि सभी लोग उसमें सम्मिलित हो जाए, सभी लोग का भला हो, इसके लिए हम लड़ते हैं। हम ऐसा काम कभी नहीं करते हैं कि 2 लोगों का अच्छा हो 2 लोगों का बुरा हो जाए, और यानी जिंदगी में हम करने का प्रयास करेंगे, अपना नुकसान करके अगर लोगों को भलाई हो रही तो करना चाहिए। आप अपना भलाई सोच रहे हैं, लोगों का नुकसान करना चाहते हैं, नेता बनने का प्रयास मत कीजिए। अगर नेता है तो कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए और आराम से नेतागिरी कीजिए, वोट हम आपको ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप भी CITS के ही कैंडिडेट हैं और हमारे मित्र भी हो सकते हैं, CITS हैं तो मान चलिए भाई जैसे हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए, आपका स्वागत है, आपका समर्थन है। लेकिन उंगली करना, लोगों को भड़काना, बेवजह का स्टेटमेंट देना, ये कहीं से शोभा नहीं देता है। पढ़े लिखे हैं तो इस बात का आप समझ गए होंगे, ठीक है, और आगे से इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नहीं तो कहा जाता है ना, गुब्बारा को उतना ही दबाइए कि ब्लास्ट ना करें,
ज़्यादा दबा दीजिएगा तो ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होता है तो फिर कुछ किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होता है, तो बस काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, सभी लोग एक साथ रहे, एकजुट रहे, और सबसे पहला अनिवार्य काम है कि किसी तरह इस पेट को हटाया जाए, नहीं तो 18 तारीख जो फॉर्म शुरू होने वाला है उसको रोका जाए, स्टे लिया जाए, ठीक है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, धन्यवाद।